नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आप सबका बीबीटी यानी बिग ब्रदर टॉकिंग पे। दोस्तों, इससे पहले इस चैनल पे मैं काफ़ी प्रोसेसर्स को कंपेयर कर चुका हूँ, जो कि इंटेल को इंटेल के साथ हो या फिर एएमडी को इंटेल के साथ हो, और काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस मैं कंपेयर कर चुका हूँ। लेकिन आज का जो कंपैरिजन है काफ़ी अनोखा होने वाला है, क्योंकि एक तरफ तो आपको दिखेगा एप्पल का M1 Pro प्रोसेसर, जो कि एक एप्पल के लैपटॉप का प्रोसेसर है, और दूसरी तरफ आपको दिखेगा AMD Ryzen 5 5600H, जो कि एक काफ़ी हाई परफॉर्मिंग AMD का प्रोसेसर है। दोस्तों, जहां तक बात आती है AMD Ryzen 5 5600H की, तो मैं इस चैनल पे इस प्रोसेसर को लेकर काफ़ी रिसर्च कर चुका हूं, काफ़ी सारे रिसर्च, काफ़ी कंपैरिजंस, सब कुछ आपको इस प्रोसेसर की मिल जाएगी इसी चैनल पे, और आप पुराने वीडियोस को जाकर देख सकते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन से भरपूर है और आपको इस प्रोसेसर की कंपैरिजन दूसरे प्रोसेसर के साथ मिल जाएगी। लेकिन काफ़ी लोगों की क्यूरियोसिटी होती है कि अगर हम इस हाई परफॉर्मिंग प्रोसेसर को हम एप्पल के प्रोसेसर के साथ कंपेयर करें और देखें कि एप्पल के जो लैपटॉप्स होते हैं वो इतने प्रीमियम रेंज के होते हैं, इतने महंगे होते हैं, क्यों वो इतने महंगे होते हैं, और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो AMD Ryzen 5 5600H के मुकाबले किस तरह की है और कैसी निकल के आती है, आज के इस एपिसोड में हम यही चीज़ देख लेंगे और दोनों ही प्रोसेसर्स को हम कंपेयर कर लेंगे कुछ BBT के अंदाज में, बिल्कुल साइड बाय साइड। और मैं जो कुछ भी बोलता जाऊंगा आपको नीचे लिखा हुआ भी मिल जाएगा, ताकि आप सब कुछ फॉलो कर पाए। जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट जब भी रिलीज हो आपके पास चले जाए नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको एक छोटा सा लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हूँ और इंस्टाग्राम के DMs को मैं ज़्यादा रिप्लाई कर पाता हूँ, इसलिए वहाँ पर मैं आप लोगों की हेल्प ज़्यादा बढ़िया तरीके से कर पाता हूँ। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का हैंडल भी आपको मिल जाएगा, और अगर आप कुछ बढ़िया लैपटॉप्स के ऑप्शन चाहते हैं वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उन पे क्लिक करके आप उन ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए कंपेयर कर लेते हैं दोनों ही प्रोसेसर्स को और देख लेते हैं कि दोनों में कौन सा बेटर परफॉर्म करता है। तो आपके स्क्रीन के लेफ्ट में जो आपको प्रोसेसर दिख रहा है वो है एप्पल का M1 Pro, और आपके स्क्रीन के राइट में जो आपको प्रोसेसर दिख रहा है वो है AMD का Ryzen 5 5600H। दोस्तों, अगर हम दोनों ही प्रोसेसर्स की रिलीज डेट की बात करें तो दोनों ही 2021 में रिलीज हुए हैं। Apple का M1 Pro रिलीज हुआ है अक्टूबर 2021 में, और आपका AMD का Ryzen 5 5600H रिलीज हुआ है जनवरी 2021 में, यानी कि दोनों की पैदाइश इसी साल की है। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ कोर्स की बात करें, नंबर ऑफ थ्रेड्स की बात करें, तो एप्पल में आपको 10 कोर्स और 10 थ्रेड्स मिल जाते हैं, और वहीं पर आपको AMD Ryzen 5 5600H में 6 कोर्स और 12 थ्रेड्स मिलते हैं, यानी कि नंबर ऑफ कोर्स और नंबर ऑफ थ्रेड्स में एप्पल थोड़ा सा आगे ज़रूर निकल जाता है। लेकिन अगर आप बेस क्लॉक स्पीड और टर्बो स्पीड की बात करते हैं, तो एप्पल में आपको बेस क्लॉक स्पीड मिलता है 2 GHz का और टर्बो स्पीड मिलता है 3.2 GHz का। वहीं पर आपको बेस क्लॉक स्पीड मिलता है AMD Ryzen 5 5600H में 3.3 GHz का। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3.3 GHz का बेस क्लॉक स्पीड, यहाँ पर 2 GHz का बेस क्लॉक स्पीड, काफ़ी फ़र्क है दोनों के बेस स्पीड में। और जहाँ तक टर्बो स्पीड की बात आती है, तो इस वाले में आपको मिल जाता है 4.2 GHz का टर्बो स्पीड, और आपको एप्पल M1 Pro में मिलता है 3.2 GHz का टर्बो स्पीड। देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 GHz एप्पल M1 Pro पीछे रह जाता है। जी हाँ, ओवरऑल अगर आप रॉ स्पीड को देखें तो एप्पल M1 Pro की रॉ स्पीड आपकी AMD वाले से काफ़ी कम है, लेकिन आप अगर परफॉर्मेंस को देखते हैं तो ओवरऑल परफॉर्मेंस एप्पल M1 Pro की ज़्यादा बेटर आती है। अभी आप देखेंगे Cinebench स्कोर और Geekbench स्कोर, सिंगल कोर परफॉर्मेंस, मल्टी कोर परफॉर्मेंस, दोनों में ही ये AMD वाले से आगे निकल जाता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि आपको एप्पल के जो प्रोसेसर्स हैं उसमें आपको 5 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जो कि अभी तक किसी भी और कंपनी के पास नहीं है। इंटेल वाले बेस्ट से बेस्ट
10 नैनोमीटर तक पहुंच पाए हैं और AMD वाले बेस्ट से बेस्ट 7 नैनोमीटर तक पहुंच पाए हैं। यानी कि इसमें जो आपको मिलती है वो मिलती है 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी, जो कि थोड़ा सा पीछे रह जाता है एप्पल से। दोस्तों नैनोमीटर में जितना ज़्यादा छोटा होता रहता है, यानी कि 10 से लेके 7, 7 से लेके 5 नैनोमीटर, ऐसे ही जितना छोटा होता रहता है वो माइक्रोचिप का जो साइज़ है वो जितना छोटा होता है उतनी उसकी पावर कंजम्पशन कम होती है और हीट डिसिपेशन इतनी ही आसान होती है। तो जो प्रोसेसर कम पावर में ज़्यादा बढ़िया स्पीड दे और अपने हीट को भी जल्दी से वो डिसिपेट कर दे, वो प्रोसेसर ज़्यादा बढ़िया होता है। इसीलिए आपका जो एप्पल का M1 Pro है उसकी बेस क्लॉक स्पीड और टर्बो स्पीड दोनों ही AMD वाले से कम है, लेकिन फिर भी इसकी परफॉर्मेंस आप देखें अगर सिंगल कोर या फिर मल्टी कोर, दोनों ही AMD से बेटर आती हैं, क्योंकि इसकी जो पावर कंजम्पशन है वो भी AMD से कम है और इसका जो हीट डिसिपेशन कैपेबिलिटी है वो भी AMD से बेहतर है। यानी कि ये प्रोसेसर इतने ज़्यादा हीटअप नहीं होते हैं, लेकिन AMD के प्रोसेसर ज़्यादा हीटअप होते हैं एज़ कम्पेयर टू एप्पल। और अगर आप इंटेल के देखें तो वो तो और भी ज़्यादा हीटअप होते हैं। तो अगर आप कंपेयर करते हैं दोनों ही प्रोसेसर्स के TDP को, तो एप्पल वाले में आपको 30 वॉट्स का TDP मिलता है, तो आप देख सकते हैं कितना कम इसका पावर कंजम्पशन है, और आपका AMD वाले में 35 से लेके 54 वॉट्स तक का TDP मिलता है। यानी कि इसका पावर कंजम्पशन भी ज़्यादा है और ये हीटअप भी ज़्यादा होता है, इसीलिए इसकी परफॉर्मेंस भी इतनी बढ़िया नहीं आती है अगर आप कंपेयर करें एप्पल वाले से। अगर आप दोनों ही प्रोसेसर्स की कैशे मेमोरी देखें तो आपको एप्पल वाले में L2 कैशे मिल जाता है 24 MB तक का, और आपको AMD Ryzen 5 5600H में L3 कैशे मिलता है 16 MB तक का। तो यहाँ पर टोटल कैशे मेमोरी आपकी AMD वाले में काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू आपके एप्पल वाला जो चिप है। अब अगर हम देखते हैं दोनों ही प्रोसेसर्स की सपोर्टेड मेमोरी को, यानी कि दोनों ही प्रोसेसर्स कितना मैक्सिमम रैम सपोर्ट कर देते हैं, तो एप्पल वाला जो प्रोसेसर है वो मैक्सिमम 32 GB तक और AMD वाला भी 32 GB तक रैम सपोर्ट करता है। यानी कि ये दोनों ही प्रोसेसर्स इस लैपटॉप में लगे होंगे वहाँ पर आप 32 GB तक रैम को बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी डिफरेंस कहाँ पर आ जाता है, आपका जो एप्पल का जो प्रोसेसर है एप्पल M1 Pro ये आपका DDR5 रैम सपोर्ट कर जाता है जो कि 6400 MHz का रैम है, और यहाँ पर आपका मैक्सिमम DDR4 रैम सपोर्ट होता है जो कि 3200 MHz वाला रैम है। यानी कि रैम की जो स्पीड है यहाँ पर आपको ज़्यादा मिलती है, प्लस यहाँ पर आपको 4-चैनल रैम सपोर्ट हो जाता है और यहाँ पर आपको डुअल चैनल यानी कि 2-चैनल रैम सपोर्ट होता है। दोस्तों यहाँ पर आप ज़्यादा रैम की स्टिक्स लगा सकते हैं इस टाइप के लैपटॉप में, लेकिन AMD Ryzen 5 5600H जिस लैपटॉप में लगा होता है वहाँ पर आप 2 ही रैम की स्टिक्स मैक्सिमम लगा पाते हैं, यानी कि ये डुअल चैनल रैम को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ चैनल्स आपको रैम की इसमें ज़्यादा मिल जाती हैं। अब अगर आप दोनों ही प्रोसेसर्स के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो इन दोनों ही प्रोसेसर्स में आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड मिल जाता है। AMD वाले में आपको मिलता है Radeon Vega 7 जो कि एक सिंपल और नॉर्मल इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड है, लेकिन इसमें आपको 16 कोर्स वाला आपको एप्पल M1 Pro ग्राफिक्स कार्ड मिलता है जो कि एक बहुत ही बढ़िया IGPU है। 16 कोर्स हैं, इसकी बेस क्लॉक स्पीड भी इसके IGPU की काफ़ी बेहतर है अगर आप कंपेयर करें AMD वाले से। तो ये सब चीज़ें आपको एप्पल में काफ़ी बेहतर मिल जाती हैं, इसीलिए जो एप्पल के लैपटॉप्स हैं वो ग्राफिक्स में और कलर गैमट में बहुत ही बढ़िया आते हैं, बहुत ही अच्छी उनकी परफॉर्मेंस होती है व्हेन इट कम्स टू ग्राफिक्स या फिर वीडियो एडिटिंग या फिर जो भी आप कलर्स वगैरह एप्पल के लैपटॉप में इतने बढ़िया देख पाते हैं वो इसी कारण से है, क्योंकि इनकी जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड है वो बहुत ही बढ़िया होते हैं। तो अब अगर हम कंपेयर करते हैं दोनों ही प्रोसेसर्स के बेंचमार्क्स को, यानी कि सिनेबेंच स्कोर और गीकबेंच स्कोर को, और देख लेते हैं कि सिंगल कोर परफॉर्मेंस और मल्टी कोर परफॉर्मेंस में कौन सा प्रोसेसर आगे निकल जाता है, तो आप देख सकते हैं कि Cinebench स्कोर में एप्पल का M1 Pro आपके Ryzen 5 5600H पे काफ़ी भारी पड़ता है। इसका अगर सिंगल कोर परफॉर्मेंस देखें तो भी 11% बेटर है, और इसका हम मल्टी कोर परफॉर्मेंस देखें तो भी Ryzen 5 से 21% बेटर है।
अब अगर हम देखते हैं दोनों के ही Geekbench स्कोर को, तो भी आपका M1 Pro 28% बेटर परफॉर्म करता है इन टर्म्स ऑफ सिंगल कोर परफॉर्मेंस, और हम देखें इन टर्म्स ऑफ मल्टी कोर परफॉर्मेंस तो फिर तो M1 Pro 95% बेटर परफॉर्म करता है एज़ कम्पेयर टू Ryzen 5 5600H। तो क्लियरली बेंचमार्क्स में आपका एप्पल का जो प्रोसेसर है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, चाहे वो सिंगल कोर परफॉर्मेंस हो या मल्टी कोर परफॉर्मेंस हो, लेकिन आपका AMD का बेंचमार्क्स में पीछे रह जाता है। वो सब इसीलिए है क्योंकि इसमें जो आपको टेक्नोलॉजी मिलती है वो मच बेटर मिलती है एज़ कम्पेयर टू AMD का प्रोसेसर। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि एप्पल के प्रोसेसर्स की इतनी बढ़िया ग्राफिक्स कैपेबिलिटी, इतनी बढ़िया जो स्पीड है, परफॉर्मेंस है, इतनी बढ़िया क्यों आती है और ये इतने महंगे क्यों होते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो के बाद आपकी कन्फ्यूजन भी दूर हो चुकी होगी और जो आपके माइंड में जो क्यूरियोसिटी थी कि हम एप्पल के जो प्रोसेसर्स हैं इनको AMD के Ryzen 5 5600H के साथ कंपेयर करें, तो ये जो क्यूरियोसिटी है ये भी काफ़ी हद तक दूर हो चुकी होगी। दोस्तों जो AMD का Ryzen 5 5600H जो प्रोसेसर है ये काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है, इसको हम अगर कपल करते हैं एक बढ़िया से डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड के साथ तो बहुत ही बढ़िया एक गेमिंग मशीन तैयार हो जाती है। लेकिन एप्पल के जो लैपटॉप्स हैं ये अलग ही क्लास के होते हैं, इनमें प्रोसेसर आप देख रहे हैं कितने बढ़िया हैं, इनमें जो ग्राफिक्स कार्ड वगैरह है ओवरऑल बहुत ही बढ़िया कैपेबिलिटी आती है और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस भी ये देते हैं। तो हाँ, अगर आपका बजट बहुत बढ़िया है तो आप एप्पल के लैपटॉप्स की तरफ जा सकते हैं, अगर आपके ग्राफिक्स की जो नीड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं तो भी आप एप्पल की तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको AMD के जो प्रोसेसर्स हैं Ryzen 5 5600H बहुत ही हाई परफॉर्मिंग प्रोसेसर है और इसको आप अपने लैपटॉप के लिए यूज़ कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए कंपैरिजन के साथ, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।